number. Thank you. बताओ बताओ आप सो गए थे, मुझे फोन करना पड़ गया, बताओ 5 मिनट इनको भी फोन करने के लिए पड़ा। हटना यार, तू ये निकाल ले तो यार, वो पेपर का है। अरे तो क्या हो गया, लगा रहता तो मैं चबा जाऊंगी, प्रॉब्लम क्या है, मिलेगा तुम रखा नहीं भाई, पट्टी है तुम्हें, बदतमीजी बहुत आ रहेगी तुम। दीदी आधा मेरा भी, मार दूंगी। अरे 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 रात में मुंह धुलने का बिल्कुल मन नहीं मेरा, आलस एक बीमारी, मैं बहुत मारूंगी। अरे खिलाओ यार, मैं बहुत मारूंगी अगर कुछ लगा। खिलाओ, मैं वेट करूं, इतना सब मैं नहीं खाऊंगा, इतना कम। कोई बात हुई बड़ा पिस्ता, सबको सबको काट काट के खिला रही, मेरे को नीचे पड़ाओ उठा के ले भाई। और मुंह टोटियां दबा दूंगी अगर थोड़ा सा भी मेरे मुंह पे लगा तो। जय माता दी, जय छठी मैया। तो यहाँ पर मैं और मेरे पति देव दोनों ही लोग तैयार हो चुके हैं छठ पूजा में जाने के लिए। और बंद कर दो दरवाजा। देख ये देखिए, प्लूटो भी आ गया है। क्या है प्लूटो? तो बच्चे अभी सो रहे हैं, चलिए चलिए नीचे। प्लूटो चल, मैं चप्पल नहीं पहनी, चप्पल पहनती उधर एकदम आगे एक स्कूल है टॉम्स ब्रिज करके। आ गए, पहुंच गए फाइनली। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए हम, क्योंकि रात में 12 बजे तक जगे थे दीपू के बर्थडे के लिए, इसलिए सुबह लग रहा था हम लेट ना हो जाए, लेकिन पहुंच गए सूरज निकलने से पहले। तो जब हम शाम को पहुंचे थे तो हमें मतलब घाट पे इतना मतलब काफ़ी दूर में है और ढूंढना भी पड़ जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ढूंढती ही रह गई थी और सब कुछ एड्रेस वगैरह बताने के बाद भी मैं अपनी फ्रेंड तक पहुंच नहीं पाई थी, तो बहुत ही बुरा लगा था मुझे कि वहां जाने के बाद भी मैं मुलाकात नहीं कर पाई। तो वैसे ही मैं छठ पूजा हाथ जोड़ के जैसे होता है अपने से करके आ गई थी इस बार। लेकिन शाम को हम ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पूजा हो गई थी ख़त्म, लेकिन सुबह हम टाइम से पहुंच गए थे पूजा पाठ करना, यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई थी। तो काफ़ी चीज़ें होती विधि विधान, और मुझे लगता था ना उस दिन मुझे कमेंट आया कि सिर्फ बिहारी लोग ही नहीं करते हैं, तो हाँ करते होंगे पर हम नहीं करते थे। हमें मुझे यही लग रहा था कि सिर्फ बिहारी लोग ही करते हैं, लेकिन होता है बहुत लोगों को, जैसे मुझे ही अच्छा लगता है, लेकिन मुझे व्रत मतलब थोड़ा सा माइग्रेन होने से अब दिक्कत होती है, इसलिए अब नया कुछ नहीं, जो पुराना है वही रखती आ रही हूँ, अब नया नहीं उठाने की कोशिश करती हूँ कि आगे चल के तो और अब एज हो रही है और तबीयत डाउन होगी तो फिर रखना मुश्किल हो जाएगा, तो नया ना उठाऊं, जो पुराना है उसको ही अपना करती रहूं, नहीं तो मेरा बहुत मन करता है। और यहाँ पर ये देखिए, अमर उजाला से ये कैमरे वाले आए थे, ये काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे कहीं से फ़ोटो ले लें, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी, फिर मैं फ़ोटो खींची गई और पेपर में आ भी गई है, वो न्यूज़पेपर वाली फ़ोटो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। तो अच्छा लगा, ऐसा कुछ सोच के तो नहीं गए थे, वहाँ पे पूजा में शामिल हुए हम और ये, और मैं एकदम गिरते गिरते बची थी, आप लोगों ने वीडियो तो देखा ही होगा, ये संभाले ना होते ना, नीचे बहुत पत्थर है यहाँ पे पानी में, तो पैर जो है स्लिप कर गया था, लेकिन बच गए, शुक्र था माता रानी का। तो चलते हैं हम घर में, देखते हैं सब बच्चे सो रहे होंगे, मुझे पता है जहाँ तक। फोन तो किया था, फोन किया था बच्चों को, दीपू को मैं कहा बर्थडे की बधाई देता हूँ, नहीं दीपू कहेंगे कि मेरे पापा हैं। रात में हम ये तो सो गए थे, मैं भी सो ही गई थी बच्चों ने, क्योंकि केक रखा हुआ था 12 बजे का, तब
अरे भगवान, अब वो नीचे गीला है ना पूरा साड़ी, तो हवा लगी तो ठंडा लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी कोई नहीं उठा है। ये देखो उठ गया अभी, मतलब उठ गए हैं भाई। मैं तो सोच रही थी कि सो रहे होंगे। किसी को कॉलेज जाना है तो उठो भैया, उठो। मम्मा कल रात इन्होंने मेरे बाल में केक लगा दिया, सूखी लकड़ी हो गया मेरे बाल। देखो अब उठो, धुलो, नहलाओ बालों को अपने। नहीं उठा आज, आज इन्होंने छुट्टी ले ली। ये उठ के आ गए थे जब हम लोग जा रहे थे, तभी फिर हम चले गए। बड़ा बेटी में प्यार आ रहे हैं। भाई बेटियां मेरी हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने साड़ी चेंज कर दी क्योंकि वो पूरी गीली हुई थी। और उसके बाद सबको जाना है, दीक्षा को कॉलेज जाना है और दीपू की फ्रेंड आएगी, वो अपना पार्टी जाएंगे। आजकल तो जानते ही है बाहर एंजॉय किया जाता है पार्टी, घर में कहाँ कौन मनाता है। तो उनका पार्टी बाहर होगा, दोनों अपने फ्रेंड के साथ जाएंगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता और अभी पूजा में भी शामिल होना है। कुछ तैयारी कर लेती हूँ, फिर जाके पूजा में इनके साथ कर लूंगी और फिर आऊंगी। तब तक ये साफ सुथरा मंदिर कर रहे हैं और दीक्षा लगी है साफ सफाई करने में। दीक्षा का आज कॉलेज में टेस्ट है तो सबको बिजी है। वहां से आने के बाद फिर शुरू हो गए काम और साड़ी वगैरह चेंज करी फटाफट से। और ये डाला मैंने धनिया, सौंफ, थोड़ा सा जीरा, इनको भूज लेंगे। मूली के पराठे में ना ये भूज के जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर सारी मूलियों को मैंने, इतनी मोटी मोटी एक एक किलो की मूली थी कि क्या बताऊं, लेकिन अच्छे लगते हैं पराठे। बहुत लोगों को लगता है कि मूली खा के क्या होता है, आप लोगों को पता होगा ना कि मूली खाने के बाद, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। तो अच्छा होता है, हर चीज़ सीजन वाली चीज़ें खानी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मूली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने मूली को कद्दूकस करने के बाद रुमाल में डाल के उसका रस जो है निकाल दिया था। और इधर आटा ले लिया है, आटे में थोड़ी सी अजवाइन, हल्का सा नमक, एक दो चम्मच के करीब में तेल, और जो मूली का पानी निकला था ना वो भी इसमें डाल के आटे को गूंद लेंगे। और आटे को गीला ही, मतलब टाइट नहीं गूंदेंगे, क्योंकि मूली पराठे भरने वाले कोई भी बनाए तो आटा गीला ही गूंदना होता है। तो यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर, और जो मैंने धनिया, जीरा, सौंफ भूंजा था ना उसको पीस लिया था मिक्सी जार में डाल के, तो बस यही मसाला डालेंगे। हर मिर्ची आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर मैं अक्सर कूट के डालती हूँ ताकि जो बच्चे हैं ना उनके मुंह के नीचे आ गई तो फिर उनका पराठा खाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा कूट के फिर डाला और हरा धनिया डाल दिया। उसके बाद इसमें नमक डाल दिया। तो नमक जैसे बहुत सारे लोग बनाने में थोड़ा मुश्किल होती होगी बेलने में, विग्नर होते हैं जिनको मतलब बेलना कम, मतलब पराठे वगैरह आते हैं भरे वाले पराठे, तो नमक ना डालें, थोड़ा थोड़ा लें और उसमें मिला मिला के बेलें, क्योंकि नमक मिलाने के बाद ये और पानी जैसा थोड़ा सा छोड़ने लगता है। मूली वैसे भी, मूली का पराठा सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन पानी छोड़ने की वजह, सिर्फ पानी। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत आए तो आप रोटियों की तरह दो बेल लीजिए पतला पतला और बीच में भर के दोनों रोटी एक ऊपर एक रख के उसको दबाकर वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वैसे कोई भी पराठा नहीं बनाती हूँ। इस तरह से भर के हल्के हल्के हाथों से बेलते रहेंगे ना तो बन जाता है। और ज़्यादा दिक्कत है तो नमक और थोड़ा सा, लेकिन फटेगा तो है ही, कितना भी कर लेंगे मूली के पराठे में थोड़ा बहुत फट जाता है मेरा बच्चा। क्या हुआ कि उसकी फ्रेंड ना फोन उठा रही थी और ना ही क्या कहते हैं बता रही थी, लेट होते जा रहे थे, टाइमिंग लेट होता जा रहा था। तो इन लोगों ने जो एक 12th फेलियर करके पिक्चर आई है मूवी, यही था ना देव ना, 12th फेल। मैं तो ऐसे ही जानती हूँ मूवी वगैरह, उतना इंटरेस्ट नहीं रखती, तो वो बुक कर रखी है। तो दोनों फ्रेंड्स जा रहे हैं वहां पे मूवी देखेंगे और ये लेट हो रहा था, टाइम निकल रहा था, ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, इसलिए दीपू को बहुत गुस्सा आ रहा था, रो भी लिया एक बार उसने, तो उसने फोन भी नहीं उठाया, फिर डायरेक्ट आ गई।
तो इसलिए बहुत गुस्सा थी। यहाँ मेरे पराठे, बच्चों को नाश्ता करा दिया, इनकी घंटी बज गई है पूजा की। अब मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ, पूजा में शामिल होती हूँ। अब इनको नाश्ता हो गया, हम और मतलब हम दोनों आएंगे तो इतना पराठे बना के रख लिए हैं। और ये देखिए चने भी भिगा के रख दिए हैं, काम करते करते और भी काम की भूलू ना, कहीं ऐसा होता है ना हड़बड़ी में हम बहुत सारी चीजें होती तो भूल जाते हैं, इसलिए मैंने चने पराठे बनाते बनाते ही याद आया, तुरंत ही भिगा दिया। चाय बनी हुई रखी हुई है हमारी, ये नेपाल नेपाल की है। नेपाल की और आधुआ भी नेपाल से ले गया। अच्छा, और ये मिर्ची भी नेपाल है। अच्छा, थैंक यू। मजे आ रहे हैं दीक्षा बैलून फुलाने में? मजे आ रहे कि एक बैलून का 5 रुपए दे दो। 5 रुपए चाहिए एक बैलून का? अच्छा अच्छा, देखो दीक्षा लगी हुई है, भाई बहन का बर्थडे है, मनाएंगी बड़े, करना पड़ता है। क्या करें, करना पड़ता है। भाई वो भी तो करी थी इतना तुम्हारे। हाँ, देव 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 होते तो हेल्प करते, देव का टेस्ट था, वो कोचिंग चला गया। कोई नहीं, मेरे बर्थडे पे दोनों पढ़ते हैं, अकेला कर देगी। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है कर लो, मैं अपना काम कर लूँ, मैं जा रही हूँ किचन में। मेरी हेल्प चाहिए तो बताना है, ठीक है? क्या ये क्या लेकर आए हो? दोनों के लिए है। बच्चे बड़े हो गए हैं आपके, ये देखो छोटा, माँ बाप के लिए बच्चे छोटे ही रहते हमेशा। अच्छा, जितने बड़े हो जाए। ये देखो, देख रहे हो क्या लेके आया दीक्षा? ये लो देखो, इसको इसको ना बीच में लगाओ ऊपर करके। अच्छा, छुटकी और भीम, देव और दीपू है। ग्रीन दीवाल, व्हाइट दीवाल होती तो एकदम चमकता रहता, ग्रीन दीवाल होने की वजह अच्छा लगेगा वो, ऐसा नहीं। बीच में, हाँ बीच में एकदम लगा के, और ये लगा दो लो, देखो एक एक बोतल बस। अब तुमने इतने सारे बैलून जो फुलाए हैं, इनका क्या करें? लगा देना इस जगह जगह, रख फ्लूटर लो, ये रख दो, देखा हूँ मैं कि उसमें टॉयलेट पेपर नहीं था। बिना बताए तुम्हारे पापा देखे रहते, ले आ देते हैं। गुड, ये थोड़ा सा उठा उठा सा लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये ग्रीन दीवार, लेकिन व्हाइट दीवार होती तो और अच्छा लगता है ना, ग्रीन की वजह से। और वहाँ ये ड्राइंग वगैरह बनी होती, एकदम प्लेन दीवार होने से बहुत ही अच्छा लगता। अच्छा है ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें आ जाए कि दुनिया भर के छोटे छोटे बैलून लगाने से फुर्सत, दो ठो लगा दो और फुर्सत। तो यही बोल रही थी, मुझे पहले ही होता, अभी हाथ में पकड़ के फोटो खिंच जाते ना लोग। अच्छा, अरे खड़े हो जाना सोफे पे चढ़ निकाल लेना, कौन सा बहुत चिपका हुआ है बॉटल। छोटा भीम, अभी वो सोचते हैं उनके बच्चे छोटे ही छोटे हैं, अभी वो भी देख के हंसेंगे जब आएंगे तो। क्या ना, देव दीपू का, ये तो है, ये दीपू है। ओ देखो, देव दीपू को पापा ले गए, कैसा लगा? आ गई घूम के, कैसा लगा घूमने वाला? देखो कान से पता चल रहा है कैसा लगा। काम क्या हो रहा है? बहुत ठंडा हो रहा है। ठंडा ठंडी लगी, बीमार मत हो जाना। मेरे साथ क्या हो गया, किचन में पूरा पानी पानी भर गया है, पानी 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 काम बढ़ गया है। अरे ऊपर टंकी लीक हो रही थी, ये बोले पूरा टंकी का पानी निकाल दो और उसके बाद नल खोल दो, फिर उसको बनाएंगे टंकी को सही करेंगे। मैंने नल खोल दिया और वो पानी बहा नहीं, मैं फोन पे बात करने में लगी थी, बर्थडे है तो फोन आ रहे सबके, और पूरा पानी किचन से लेके रूम तक भर गया। देखिए पानी ही पानी, सब कूद कूद के आ जा रहे हैं ये मेरे रूम से। ये देखिए, ये देखिए पूरे किचन में सारा मैट मुट भूल, और यहाँ मैंने चने चढ़ा दिए थे छोले बनाने के लिए, पूरा पानी भरा पड़ा है। हाँ अब लाइट की वजह से उधर दिख ही नहीं रहा कुछ। हाँ ठीक है, लग जाएगा वहाँ, किस में लगाओ, उधर तो कील भी नहीं है, इधर रख दे। कैसी लगी मूवी दीपू? मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मोटिवेशनल थी। ट्वेल्थ फेल, ये चार फेल पिक्चर का फेल,
ट्वेल्थ फेल बहुत मोटिवेशन था लेकिन टाइम पे पहुंच गया था लेट हो गया था तुम लोग 10-15 मिनट हो गया था लेट पहुंचने में शुरू हो गई थी पूरे बना लिया टंकी बना के देख तो रहा हूँ पानी भरेगा पता चले पूरे किचन में पानी भर गया आप बोल दिए पानी खोल दिया वो पानी वहाँ पाइप में अच्छे से जा नहीं रहा था पूरे किचन में पोछा लेने आई हूँ ले जाऊँ वहाँ साफ करूँ उबल गए थे चने देखे तुमने कच्चे लग रहे खोलो देखो तो क्या कर रहा है प्लूटो क्या कहते हैं आज दीक्षा बनाएंगी छोले कह रही है मार्केट नहीं जाऊंगी जाइए आप करके आइए शॉपिंग मैं और ये जाएंगे कह रहे पापा और आप चले जाइए ये छोले भटूरे आज दीक्षा बनाएंगी हैं बना लोगी जाऊं टैलेंटेड तो हो मुझे तो पता है बहुत दिन हो गया किचन में ऐसे कुकिंग वगैरह करे हुए हैं इसीलिए दीपू को अच्छा चलो ठीक है फिर हम जाते हैं आराम से घूम के शॉपिंग करके आते हैं ओके बाय हुए हैं छोले नमक डाला हुआ है टेस्ट कर लेना हल्का फुल्का मसाले भूजते वक्त डालना और नहीं तो मत डालना ठीक है चलो वॉक हो जाएगा पैदल पैदल घूम के आएंगे पैदल चले ओके। चलो पापा बुला रहे हैं चलो चलो घूम के आएंगे चलो आ जाओ कह रहे चलो पैदल पैदल वॉक भी हो जाएगी चलो इसीलिए तुम लोग को लेके आए अपना पसंद का देखो 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 जो अच्छा लगे कलर देखो कौन सा तुमको पसंद देखो तो मैं और मेरा बेटा और आगे बाप और बेटी ये देखो तो यहाँ से फिर से हमने दो केक लिए एक दीपू के लिए और एक देव का क्योंकि दीपू का जैसे ही बर्थडे रात में 12 बजे तक चलेगा ख़त्म होगा वैसे ही देव का शुरू हो जाएगा तो ऐसा पड़ता है हमारे यहाँ इसकी वजह से लगातार भाग दौड़ दो दिन चलती है और उसके एक दिन पहले छठ का था तो मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई और उस दिन दीपू का जैसे ही ख़त्म हुआ अगले दिन सोची थी डालूंगी पर देव का बर्थडे शुरू हो गया तो टाइम ही नहीं मिला उस दिन उनकी तैयारी पूरे दिन चलती रही ये देखिए दीक्षा के छोले बन चुके हैं वाह बड़ा टेस्टी लग रहा है मुझे तो बड़ा टेस्टी दिख रहा है तो भैया आज दीक्षा ने खाना तैयार कर दिया है ये देखिए भटूरों का मैदा लगा हुआ है अब इसको फटाफट कढ़ाई चढ़ा निकाल लेते फिर केक काटते तो फटाफट से लग गई किचन में क्योंकि लेट हो गया था मार्केट में काफ़ी तो आटा लगा के रख दिया था दीक्षा ने छोले बना दिए थे तो मैंने जीरा राइस बनाया उसके बाद थोड़ी सी सेवइयाँ सेवई बना लिया था कुछ मीठा तो बनना बनता है पहले दीपू ने टेस्टी कर लिया मेरा नाम नहीं कटेगा नाम नहीं कटेगा हैप्पी बर्थडे कर रहे मेरी बारी है वही खाने की हैप्पी बर्थडे टू यू तभी से लगवा ले टू यू अरे खा लो यार दीपू इतने प्यार से भाई खिला रहा है अरे यार तू क्या बोल रही है मैंने एक दिन नहीं लगाया तूने मुंह पोता है मेरा प्लूटो को खिला दे तो लगा दो चलो सबसे पहले लड्डू का प्रसाद चढ़ा था वो बाटा दीपू से ही चढ़वाया था वैसे तो मंदिर जाना था तो मार्केट जाने के चक्कर में और दीपू इतनी थक गई थी प्लानिंग सिर्फ मूवी देखने जाने की थी फिर वहाँ से फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग बना ली तो पहाड़ी पे एक जगह है जहाँ काफ़ी दूर गई तो वहाँ से आने में 5 बज गए और थक भी गए आदत है नहीं इसलिए फिर मंदिर नहीं जा पाए घर की मंदिर में ही प्रसाद चढ़ाया ताज मैं लगाना भूल गई जो दीपू अपने लेके आई थी कि यही मैं इस बार बर्थडे पे पहनूंगी आ दीपू बहुत पसंद आया था आजा मेरी तरह आजा
और आज मार्केट जाने का मतलब हम पहले ही 2-3 बार जा चुके थे, लेकिन जो दीपू को चाहिए था और एक दीपू का जो साइज है ना पैंट वाला जो जीन्स वाला वो यहाँ तो मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। सारे ही जीन्स छोटे साइज के आते हैं, वो उसके होते नहीं हैं। इस चक्कर में उसने शॉप वाले ने बोला था कि आज ला के दे देंगे, इसलिए हमें आज भी निकलना पड़ा शॉपिंग के लिए। और काफ़ी टाइम लग जाता है जब हम मार्केट निकल जाते हैं, फिर हम पैदल ही गए थे तो खाना अब फटाफट से खाना लगाया और सबको बिठा दिया। ये अभी नहीं बैठे हैं, ये और मैं दोनों लोग बाद में खाएंगे, तो यहाँ पर मैंने कहा आप लोग खा लीजिए, साथ में बच्चों को बैठा दिया था। दीक्षा, दीपू, देव और ये अंकल आंटी, इनकी बेटी जो थी वो सो गई थी क्योंकि रात के बज रहे थे 9:30 इस टाइम पे। ये लोग वही पसंद और कुछ लोग दीपू दीक्षा हैं नहीं दीपू तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने। मैं और पद्देव अब जा रहे हैं खाना खाने, सबको खिलाने पिलाने के बाद, विदा करने के बाद, और सब ठंडा हो गया एकदम। खाना तो पूछिए मत कितना, मतलब खा लिया है बस। भैया उसका कंबल ओढ़ोगे ही क्यों, उसका कंबल उसको दो, तुम लोग अपना कंबल लो। नींद आ रही है तो थक गया होगा तो सो जाओ बेटा। तो भैया 11 बज गए हैं और आज बर्तन भी नहीं हुआ है, और क्योंकि दीपू भी थक गई, दीक्षा भी थक गई, पूरा दिन ऐसे बीता था अपना, कॉलेज वगैरह जाना आना, ये इतनी दूर पहाड़ी वहाड़ी पे घूमना, शाम को एकदम 5 बजे तो आई, सब थके हुए हैं। और मैं भी अब सुबह, इनकी ड्यूटी भी है, आज छुट्टी ले रखे थे तो कल छुट्टी भी नहीं है, कल जाएंगे, शाम को आ जाएंगे देव के बर्थडे के टाइम पे, दोपहर में ही आ जाएंगे पापा। तो वही मैंने कहा चलो सुबह ही उठ जाऊंगी तो जल्दी बर्तन सुबह ही धुल लूंगी, इसलिए बर्तन नहीं धुला आज। आज बहुत दिनों के बाद, ऐसा होता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ही कम ऐसा होता है, कभी साल में 1-2 दिन जिस दिन मैं शाम को बर्तन किचन नहीं, तो ये लोग हैं दीपू दीक्षा सब मिल के फटाफट कर लेते हैं। तो देख रहे दीक्षा भी थकी हुई, तबीयत कुछ डाउन है, इसलिए मैंने कहा रहने दो सुबह करेंगे हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। बाय। और मेरे दीपू का बर्थडे विश करिएगा, आप लोग ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, मेरी बच्ची ढेर सारी विश करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, प्यार मेरे कमेंट एडवांस में शुक्रिया बोल रही हूँ मैं आप लोग करते हैं ही शुक्रिया बोल रही हूँ मैं पहले से, अब आपको विश करना चाहिए। हाँ पहले थैंक यू बोले, जानती कि आप लोग विश करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो पहले ही आप लोग का दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से भी, और अपने भर भर के लाइक भी दीजिएगा जिसे देख के हमें लगेगा कि हाँ आपने सच में विश किया है, लाइक के साथ कमेंट के साथ में। तो अपना प्यार देते रहिए, बिना उसके तो सब अधूरा है, वही हिम्मत ही वहीं से आती है वीडियो बनाने की, जो आप लोग का प्यार आता है, जितना कमेंट लाइक आते हैं तो और हिम्मत आती है। चलिए फिर बातों को ना बढ़ाया जाए, घड़ी में बज रहे हैं 11 और हम आपको बोलते हैं बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बोलो दीपू दीक्षा, बाय बाय।